उदयपुर में सरकारी स्कूल के छात्र पर हुए चाकू से जानलेवा हमले के बाद उदयपुर में माहौल है तनावपूर्ण है। जिस तरह से उदयपुर के जो सूरजपोल थाना क्षेत्र है वहाँ के बटियाना चौटा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वहाँ पर सुबह की घटना है जहाँ पर एक जो छात्र था उस पर चाकू से स्कूली छात्र ने हमला कर दिया। उसके बाद जो है माहौल है तनावपूर्ण हो गया। उदयपुर में देखिए किस तरह से जो युवा हैं जो MB हॉस्पिटल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न जगह आगजनी की गई है, कई जगह तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। उदयपुर के MB अस्पताल में जो विभिन्न हिंदू संगठन से जुड़े लगाकर समाज के लोग हैं वह लगातार यहां पर डटे हुए हैं, उनकी विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। जो छात्र उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, बताया जा रहा है कि हालत स्थिर है, लेकिन जो लोग हैं इस तरह की न्याय को लेकर डटे हुए हैं। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के और ट्रॉमा इमरजेंसी है जहाँ पर विभिन्न समाज से जुड़े जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हैं और उनकी कई सारी मांगें, इनका कहना है कि जो आरोपी हैं जो नाबालिग आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लोगों से समझाइश की जा रही है और जिला कलेक्टर है उन्होंने धारा 144 लागू कर दी है जिससे कि शांति बनाए रखी जा सके, उदयपुर में माहौल ना बिगड़े। और प्रशासन ने अपील भी की है लोगों से कि जिस तरह से जो स्थिति है उस पर कहीं काबू रखा जा सके और शांति बनाई रखी जा सके, जिसके लिए धारा 144 को लागू किया गया। और जो लोग हैं वह अस्पताल में डटे हुए हैं, उनका कहना है कि उनकी जो मांगे अगर प्रशासन मांगों पर उतरता है स्थिति क्या है यह प्रशासन उन्हें बताया उसके बाद यहां से जाने वाले हैं। लगातार माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो विभिन्न समाज के लोग हैं वह यहां पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से किस तरह से माहौल को कंट्रोल किया जाए उसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन यहां पर लोगों से समझाइश कर रहा है और धारा 144 जो लगाई गई है उसकी पालना के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह जुटे हुए हैं। और देखें तो कई जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटना भी सामने आई है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो लोग थे उन्होंने आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और अब धारा 144 की पालना के साथ ही शांति बनाए रखने की अपील उदयपुर का प्रशासन कर रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।